आप सबके सामने मीटिंग हुई है, ड्यूटियां लगाई गई हैं इस बार, क्योंकि एक चेंजिंग है। जो काम होता है अच्छे के लिए होता है। पहले हमारे पास जो ग्राउंड था वो छोटा था, इस बार ग्राउंड हमने बड़ा लिया हुआ है और बड़े ही सिस्टम से ये कार्य हो रहा है। आपके सामने आपको एक प्रिंट दिखाया है, 3D प्रिंट, जिसमें हर चीज़ की व्यवस्था, जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कहीं किसी का कोई बच्चा गुम हो जाता है उसकी सूचना केंद्र, हर चीज़ बहुत सलीके से लगाया गया है। VIP को कहाँ से आना है, हमारी जनता जो दशहरा देखने के लिए आ रही है वो कहाँ से आना है, हर चीज़ का रास्ता अलग से बनाया गया है और पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और स्वागत द्वार भी आपके सामने सभी लग चुके हैं। इस बार दशहरे की जो लोकेशन है चेंज है, कौन सी जगह है, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। इस बार पानीपत में जो हमारा श्री राम दशहरा कमेटी का जो प्रोग्राम होता है उसमें पहले चौराहे के बीच में होती है। इस बार GT रोड से जैसे ही आप मुड़ोगे यमुना इंक्लेव का गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने, जहाँ पे अभी सफाई होनी शुरू हो गई है, जहाँ पे अभी आनंद मूर्ति गुरु माँ का सत्संग था, वही जगह है। और इस बार जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इनकी हाइट कितनी रखी जाएगी? हाइट पहले की तरह है, 75 फुट, 70 फुट और 65 फुट, पहले भी इसी तरह होती है, इस बार भी इसी तरह से, और बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। पिछले 1 महीने से इसका कार्य कम्युनिटी सेंटर में हो रहा है और वीरवार को हम यहाँ से वो शिफ्ट करेंगे और शुक्रवार को ये पुतले खड़े हो जाएंगे। सुरक्षा क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा के लिए तो पुलिस हमारे साथ है, सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए हैं और हमारी खुद की टीम बहुत बड़ी है। ये टीम पूरा कार्य आपके सामने है, हर काम को बखूबी बड़े तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा कार्ड छपा है, ऐसा कार्ड कोई नहीं छपवाता, जिसकी जो ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी को पूरा करता है। और बाउंसर भी हमने मंगाए हैं, 10 बाउंसर जेंट्स और 5 लेडीज। श्री राम दशहरा कमेटी हर वर्ष दशहरा बनाती है और इस बार दशहरा ग्राउंड अलग है, इस बार क्या कुछ नया रहेगा दशहरा कमेटी का? दशहरा कमेटी का नया उसी दिन ही आपके सामने आएगा, आप जब आश्चर्यचकित रह जाएंगे भी ऐसा कार्यक्रम भी हो सकता है। रोहिता रेवड़ी जी, सुरेश अरोड़ा जी, डॉक्टर दिनेश वशिष्ठ जी और गोयल परिवार, ये पूजन के लिए आते हैं। उसके बाद जो उत्सव शाम का होता है उसमें महिपाल डांडा जी, अतुल मित्तल, नितेश मित्तल, नवीन कुमार कुंडू जी, अनिल बत्रा जी, अंकित ग्रोवर जी व अमित वर्मा जी, और अध्यक्षता करेंगे हमारी बेटी अवनीत कौर, हमारे समधी मुकेश टुटेजा जी, पार्षद अनीता परूथी जी, अनिल बजाज जी और इस बार लोकेश नागरू जी, और साथ में हाजी साधना किन्नर जो हर साल आते हैं और हमें आशीर्वाद आकर देते हैं। श्री राम दशहरा कमेटी की आज जो मीटिंग थी उसमें तो हमने सभी की, अपने मेंबरों की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि कौन सा मेंबर कहां पर ड्यूटी करेगा ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से चले, चाहे वो घेरे के अंदर ड्यूटी थी, चाहे मंच पर थी, चाहे वो सहायता केंद्र की थी, चाहे वो हेल्प डेस्क था, चाहे वो मेडिकल डेस्क था, चाहे सिक्योरिटी की थी, सभी की हमने ड्यूटियाँ लगाई साथियों की, उसके लिए आज हमने विशेष मीटिंग बुलाई। हनुमान स्वरूप जो आते हैं उनके लिए जो पहले व्यवस्था थी वो व्यवस्था रहेगी, उससे भी व्यवस्था बेहतर रहेगी क्योंकि इस पर ग्राउंड बड़ा है। हम उसके लिए जो गैलरी बनाते हैं जो पिछली बार से थी उससे कुछ वाइड होगी, उससे चौड़ी होगी ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। अभी आपकी ही कमेटी के मेंबर ने कहा था कि हनुमान स्वरूप धारण करने वालों के लिए निर्धारित समय किया जाए, तो उसको लेकर क्या आप प्रशासन से मिलेंगे? देखिए, प्रशासन से हम पहले भी मिलते रहे हैं, आप भी पुनः मिलेंगे, हमारी मीटिंग में होती हैं, परंतु मैं और आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत तौर पर, कई बार संभव नहीं हो पाता उनके लिए। जो हम हनुमान स्वरूप यहाँ तहसील कैंप से निकलता है शाम को 5 बजे, अगर उन्होंने जाना होता है सेक्टर 25 में मित्तल माल के पीछे, या माल टोन घूमते हुए आना होता है 11 वार्ड से होता है, वो रात को 11 बजे तक वापसी पहुँचना उसका संभव नहीं होता, असंभव बात है ये। हाँ, अगर वो बात लगे, अगर वो यहाँ से बैठे काउंटर पर और वापसी काउंटर में आ जाएं, तो मैं तो नहीं समझता भी वो काउंटर पर बैठ कर जाना और काउंटर में बैठ कर आना ये उचित है। एक तब निर्धारित ही कहा उन्होंने भी वापसी मूर्तियाँ 11 बजे अपने स्थान पर आ जाएंगे, उनका ये लक्ष्य था, उनका सभी का लक्ष्य होता है, हमारा भी लक्ष्य होता है, क्योंकि 2 दिन तो चल जाता है, 1 दिन बीच में जो दूर वाला जो हमारा होता है वहाँ पर जाके वापसी आना असंभव सा है, फिर भी कोशिश करेंगे हम, हो जाता है।